बिहार बिहार में क्या स्थिति देख रहे हैं पांच चरण के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एगो टिटहिया था, वैसे आसमान में देखता था तो कहता था मैं आसमान का भार ले रखा हूँ। यही आरजेडी के नेता टिटहिया की तरह, या आज वो झूठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूँगा, जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो में पांच विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा का चार चरणों का जो मतदान है वो खत्म हो गया है। पांचवें चरण के लिए जो सभी पार्टियां हैं अपने प्रचार तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर हैं। वो आज मोतिहारी में जनसभा करेंगे। जब जेपी नड्डा से पत्रकारों ने पटना एयरपोर्ट पर पूछा कि बिहार का स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि सब बढ़िया है। क्या कुछ कहना है जेपी नड्डा का, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि बिहार का स्थिति सब बढ़िया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को झूठ का सरदार बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दिए और लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। पांच विभाग अपने पास रखे थे, बताएं कि अपने पांच विभागों में वो कितना नौकरी दिए हैं। वहीं उन्होंने दावा किया है कि जो गांधी परिवार है लोकसभा चुनाव के बाद वो भारत छोड़ देगा। क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का, आप सुनिए इस वीडियो में। एगो टिटहिया था, वैसे आसमान में देखता था तो कहता था मैं आसमान का भार ले रखा हूँ। यही आरजेडी के नेता टिटहिया की तरह, जनता उनके साथ नहीं है, उनके पास गरीबों का साथ नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में सभी पिछड़े इंक्लूडिंग कोयरी कुर्मी निषाद का बहुमत मिल रहा है और गरीबों का आशीर्वाद रूपी हो वोट मिल रहा है साइलेंट, जिसका पता लालू जी को भी नहीं है। 95 का याद कर। अच्छा, प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो रोड शो करेगा, एयर शो हम करेंगे, जॉब शो कैसे देखेंगे? घड़ी घंट झूठा का सरदार, जिसने पांच विभाग लेकर के ये झूठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झूठा कह रहा है कि मैं जॉब में शो करूंगा, जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो में पांच विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। सर, गांधी ने कहा है लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हाँ, क्योंकि फिर से जंगल राज आएगा नहीं तो उनको तो हाईजैक ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार फिर से 2006 की स्थिति में आ गए हैं। अब हो गया, प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री दिन भर कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदले रहते हैं, करते क्या है वो? मैं महिलाओं पर कोई कटाक्ष नहीं करता, बस मैं इतना ही कहूँगा, प्रियंका गांधी की एक ही खासियत है, रानी के पेट से पैदा ली है और वो गरीब के बेटा हैं, पिछड़ों के बेटा हैं, बर्तन मांजने वाली के बेटा हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। क्या आपने ये कहा है कि चुनाव के बाद ये लोग? अरे भाई, जब वोट ही नहीं रहेगा तो ये लोग भागेंगे, चुनाव खत्म होते होते बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, इनको भारत से कोई प्रेम नहीं। अरे तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं, नीतीश कुमार 2005 के रुतबा में है, जंगल राज को आने नहीं दे। देखिए, तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इधर हमारे साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़े सब बीजेपी के साथ है, इसीलिए पांच चरण के बाद क्या देख रहे हैं?